से दो लाइनें चल रही हैं। अब आपको बता दूं कि छोटे चिक्स आते हैं तब मैं इसको कहाँ पे रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए ये लेवल लगा हुआ है, तो ये जो स्प्रिंग लगी हुई है उसमें देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इंची के ऊपर मैं रखता हूँ जो बर्ड्स आता है। तो और धीरे धीरे जैसे ही बर्ड्स बड़ा होता है मैं ऊपर करता रहता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर है, देखिए ये लेवल है इसकी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे खुशी पोल्ट्री ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज जो है हमने बर्ड्स को पूरे फार्म में स्पेस दे दिया है। देखिए हमने स्पेस तो ये कल ही दे दिया था दोस्तों, लेकिन आज जो है हम कल पूरे दिन काम कर रहे थे, वीडियो नहीं बना पाए, तो आज हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। और एक चीज़ और हमने नहीं करी थी, ये जो चिक्स फीडर थे उनको सबको हटा दिया है और केवल हम जेम्बो फीडर लगा रखे हैं। और जेम्बो फीडर भी आपको बता दूं दोस्तों, एक बॉक्स में हमने 20 लगा रखे हैं। देखिए आप, पूरा व्यू दिखाता हूँ एक बार आपको, इस प्रकार है। क्योंकि कल टेम्परेचर हमारे अच्छा था, 12 डिग्री टेम्परेचर तक गया था, तो हमने सोचा यही मौका है कि आज इसका फ़ायदा उठाया जाए और बर्ड्स को स्पेस दे देते हैं। तो हमने कल स्पेस दे दिया दोस्तों। कल नाइट में जो है ना, तो हमको कोयला जलाना पड़ा और बढ़िया से टेम्परेचर रहा, लेकिन आज टेम्परेचर 7 डिग्री तक जाएगा दोस्तों। आज ठंड है तो आज उसके हिसाब से हम इसके अंदर टेम्परेचर बनाएंगे। अभी 74 का टेम्परेचर हो रहा है, शाम का टाइम है दोस्तों। बर्ड्स का एक्टिविटी और मूवमेंट आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे, बॉडी वेट भी जो है अच्छे से बच्चा ले रहा है। अभी मेरे हिसाब से 350-400 ग्राम के समथिंग बॉडी वेट है, किया नहीं है बॉडी वेट, अब 14 दिन पर ही करेंगे दोस्तों अपन। और दिन में हमने जो है बीच में से सीलिंग भी खोली थी और बर्ड्स को जो है अच्छे से इसको धूप नहीं लगा पा रहे हैं, बस दिक्कत यही हो रही है क्योंकि बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है दोस्तों कि जैसे हम सीलिंग को बीच में से ओपन कर रहे हैं वो उसी टाइम जो है बर्ड्स इकट्ठा होने लग जाता है। तो भी हमने दिन भर जो इसको खुला रखा, अब शाम का टाइम हो गया दोस्तों और अब जो है हम बर्ड्स को आराम से पैकिंग कर दिए वापस फर्स्ट क्लास। एक बार आपको दिखा देता हूँ पूरा व्यू, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मेरा लास्ट बॉक्स है दोस्तों, अपने फार्म का एंड है और ये लास्ट जो है बॉक्स में हमने स्पेस दिया था कल। और ये देखिए पूरा व्यू है फार्म का इस प्रकार। पैकिंग हमने प्रॉपर तरीके से करी है और जितनी भी हाइलोजन साइड में थी दोस्तों उनको सबको हमने 20 सेंटर में कर दी है। और मटकियां हैं जो अभी जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी, क्योंकि कल चलानी नहीं पड़ी थी तो आवश्यकता नहीं थी, हम नहीं जला पाए। दूसरा दोस्तों निपलों की साइज़ भी हमने ऊपर करी है देखिए, क्योंकि अगर नीचे रहती है तो पानी कम पीता बर्ड्स, तो हाय हाय इसको निपल को जो है अपन को उस हिसाब से करना है कि बर्ड्स जो है ऊपर गर्दन करके पानी पिए। ये देखिए आप, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। देखिए बर्ड्स इस प्रकार पानी पीना चाहिए, समझ गया, मतलब कि बर्ड्स नीचे से निकल जाए, निप्पल जो है उसके नीचे से बर्ड्स निकल जाए, कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, और बर्ड्स उसमें ज़्यादा पानी पीता है। अगर साइजिंग अपन नीचे करके रखते हैं ना निप्पल की, तो बर्ड्स पानी कम पीता है, ठीक है ना। उसका पता कैसे चलेगा मैं बताऊँ आपको, कि बर्ड्स पानी कम कैसे पी रहा है या ज़्यादा पी रहा है उसका अपन मालूम कैसे करते हैं मैं बताऊं दोस्तों। अगर ये जो नीचे कटोरी लगी है ना, इस कटोरी में अगर पानी भरने लग जाए या गीली होने लग जाए तो समझ लेना कि निप्पल की साइजिंग अपनी नीचे है। और ये बर्ड्स देखिए दोस्तों, यहाँ ब्रूडर है बंद पड़ा है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ ही टेम्परेचर मिल सकता है, तो ये यहाँ आकर बैठते हैं, ठीक है ना। और दूसरा अपना पूरा मैनेजमेंट आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज जो है अपने दिन बर्ड्स का हो गया 12वां दिन है दोस्तों, और 12 दिन की ये एक्टिविटी है और ये ही बर्ड्स का मूवमेंट है। फीडिंग जो है दोस्तों दोनों टाइम हमने कर दी है, और थोड़ा सुबह डालते हैं थोड़ा शाम को डालते हैं। फीड जो है अभी बर्ड्स ले रहा है 5 कट्टे डेली ये खा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अब धीरे 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 इनका फीडिंग भी जो है बढ़ेगा दोस्तों। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे बर्ड्स को किस प्रकार हम रख रहे हैं, किस प्रकार मैनेज कर रहे हैं। सुबह के टाइम फीड चेंज हुआ था दोस्तों, 2 नंबर फीड लगा था, तो 2 नंबर फीड लगते ही हमने इसके अंदर हेप्टोकेयर लगाया था। हेप्टोकेयर दोस्तों हाई डोज मात्रा में दिया है हमने, अभी 500 ml इनको दिया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम जो हाई डोज देते हैं फिर उसके बाद में धीरे धीरे कम मात्रा में देते हैं, ठीक है ना। मॉडल्टी की बात करी जाए दोस्तों, तो मॉडल्टी 100 मॉडल्टी के समथिंग हो गई है। आज भी 4 मॉडल्टी थी, कल की 5 थी, परसों की 3 थी, इस प्रकार मॉडल्टी चल रही है। बर्ड्स को अपन जैसे ही डिस्टर्ब करते हैं दोस्तों, डिस्टर्ब करने के बाद फीडिंग वगैरह करने के बाद वापस इस प्रकार इकट्ठा हो जाता है। लेकिन बर्ड्स है ना झुंड बनाता है, पर मॉडलिंग मॉडलिटी होने का चांसेस में नहीं है। तो मैं जब तक मुझे टाइम मिलता है एक घंटे में डिस्टर्ब करता रहता हूँ, और उसके बाद जो है मैं बर्ड्स को नहीं छेड़ता रात को,
बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है कि नींद खुली, राउंड लगा के चला दो। लेकिन मॉर्निंग का समय होता है दोस्तों, उस टाइम बिल्कुल भी मैं बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। अभी टेम्परेचर 74.7 है, रात को 73 डिग्री से नीचे नहीं गया था, कुछ भी नहीं लगाया, उसके बावजूद भी पूरा एरिया कवर कर दिया था, क्योंकि शाम को जो है टेम्परेचर अच्छा था दोस्तों। तो एक भाई ने पूछा था कि निपल सिस्टम को आप कैसे सेट करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो जहाँ से निपल चालू हो रही है वहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, है ना। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपको मैं कंट्रोलर के पास लेके आ गया हूँ। मेरा एक ही कंट्रोलर है जिससे एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन यहाँ से वो जा रही है, मतलब एक कंट्रोलर से दो लाइनें चल रही हैं। अब आपको बता दूँ कि छोटे चिक्स आते हैं तब मैं इसको कहाँ पर रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए ये लेवल लगा हुआ है, तो ये जो स्प्रिंग लगी हुई है उसमें देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इंची के ऊपर मैं रखता हूँ जो बर्ड्स आता है। तो और धीरे धीरे जैसे ही बर्ड्स बड़ा होता है मैं ऊपर करता रहता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर है, देखिए ये लेवल है इसकी, तो इतनी मैं लेवल रखता हूँ, और बर्ड्स बड़े होंगे मैं यहाँ तक कर दूंगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि बर्ड्स इसके अंदर फ्रेशर कितना है। अगर अपन छोटे बर्ड्स में भी यहाँ तक खोल देते हैं ना, तो छोटे चिक्स से निपल दबता नहीं, क्योंकि पानी का फ्रेशर ज़्यादा रहता है। इसलिए इसको छोटे बर्ड्स में कम रखना है, पानी भी कम जाएगा और फ्रेशर भी कम रहेगा, तो हल्के से वो फुश हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अभी इसको ज़्यादा खोल देंगे तो पानी की मात्रा ज़्यादा जाएगी, बट उनसे पुश नहीं हो पाएगी छोटे बर्ड्स में। तो ये तो है इसका सिस्टम। अब कहाँ से करते हैं वो बताऊँ, इसके नीचे घुमाने का ये है, इसको अपन घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, देखो गया ऊपर, ये सिस्टम है। नीचे करने के लिए फिर दोबारा इसको उल्टा घुमाएंगे, ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ इसे कंट्रोल करते हैं हम, और यहाँ इसे सारा सेटअप करते हैं। और ये पानी की टंकी है, इसका मेडिसिन ख़त्म हो गया, इसकी सारी दवाई। अब इसके अंदर आज हम इसके अंदर एंटीबायोटिक देंगे दोस्तों, क्योंकि बर्ड्स अभी हमने स्पेस दिया है और ये 12वां दिन चल रहा है, तो 12, 13, 14, 3 दिन हम इसके अंदर दोबारा रिपीट करेंगे एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक भी जो आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखो IV से लेकर आए वही है एंटीबायोटिक, इसी को चला रहे हैं अभी। और सुबह हमने दिया था हेप्टोकेयर, देखिए ये वाला हेप्टोकेयर दिया ताकि लीवर वगैरह की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि फीड हमने चेंज किया था दोस्तों। और कैल्शियम जो चलाया था दोस्तों वो आपको बता दूं मैं, 3 रोज हमने कैल्शियम भी चलाया था, ये वाली हिमालय की कैल्शियम है दोस्तों, ये हमने चलाई थी। तो ये सारा प्रोसेस जो है दोस्तों डे बाई डे करता रहना है, ताकि बर्ड्स में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और चेक भी करता रहना है कि बर्ड्स किसी प्रकार की जो है साउंड वगैरह नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ, है ना। एक बार ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों पूरा जो है पैक कर रखा है हमने। और SITs की प्रॉब्लम तो पीछे जाके क्या होता है वो हम लास्ट में देखेंगे दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो आपकी जानकारी के लिए, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।